मसल्स को समझना स्टार्ट करें, आपके मसल्स की रिक्वायरमेंट, आपका सबसे बड़ा ट्रेनर आपके यहाँ है, अगर आपने उसे एक्टिवेट कर लिया, नो वन हैज राइट टू बीट यू। 24, 25, अब ट्रांसफॉर्मेशन आगे बढ़ाते हैं, दोबारा जो रोक दिया था क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, और लुक कैसा आ रहा है ये बताएं आप। आप इस वर्कआउट शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, दिस इज वेरी अल्टीमेट। अच्छा खाएं, स्वस्थ दिखें, स्वस्थ रहें, गंदा खाने से बचें, ऑयली स्पाइसी स्वीट्स नॉट फॉर अस। जय श्री राम, जय गौ माता की। और मेरा ट्रांसफॉर्म जो चल रहा है बर्थडे के लिए स्टेरॉइड वाला, उसमें आप फील बताएं, परफॉर्मेंस बताएं। अभी गर्मी इतनी ज्यादा है, स्टेरॉइड बंद किया हुआ था, अब ट्रांसफॉर्मेशन आगे बढ़ाते हैं, दोबारा जो रोक दिया था क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, डिहाइड्रेशन और जो हीट स्ट्रोक है दिल्ली के अंदर वो बहुत बढ़ रहे थे, बहुत ज्यादा गर्मी है, दिल्ली का टेम्परेचर 50+ हो गया था। सो अभी थोड़ा कंट्रोल्ड लग रहा है, तो आज वर्कआउट करते हैं। आज मैं ले रहा हूँ शोल्डर का वर्कआउट और अल्टीमेट वर्कआउट लेते हैं शोल्डर का, बहुत जल्दी रिप होने के लिए वर्कआउट सीरीज अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो 90 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल एंड पे ही पहुंचने वाला है मेरा, तो अब किस तरीके से कैसे खुद को मैनेज करेंगे, चलिए वो वर्कआउट आपको करके दिखाता हूं मैं, और कपड़े उतार के फिर दिखाएंगे आपको परफॉर्मेंस कैसे। तो फर्स्ट वर्कआउट लेंगे हम डंबल प्रेस, और रेपिटेशन रखेंगे सभी वर्कआउट्स के 25 रेपिटेशन विद 4 सेट्स। सो दिस इज माय फर्स्ट सेट, डंबल प्रेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 रेपिटेशन के साथ आपको अपने वर्कआउट को करना है, और जब आप 25 रेपिटेशन लेते हैं विद 4 सेट्स, तो 100 रेपिटेशन कंप्लीट विद 1 एक्सरसाइज। सो दिस इज द लास्ट एंड अल्टीमेट वे टू गेट रिप योरसेल्फ। इसके बाद वाले वर्कआउट में मिलते हैं। सो दिस इज नेक्स्ट वर्कआउट, आपको ऐसे एक टेबल लेना है, या फिर आप थोड़ा सा आगे बैंड होके सपोर्ट लेके 1 ये डंबल यहाँ एंड करने, इस तरीके से ये हैमर ग्रिप पूरा रहेगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, और बीच बीच में पोज देना ना बोले आप, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेटर होता है पोजिंग से। तो ये मेरा सेकंड वर्कआउट था, लिटिल बिट जस्ट बेंड योरसेल्फ एंड जस्ट साइडवेज कोशिश करनी है, या एग्जैक्ट वे में आना है इस तरीके से। ये जब पोस्चर आता है तो डेल्ट फट जाता है बिल्कुल, और इतनी जल्दी फटीक लेवल तक पहुंचता है आपका मसल। और मसल्स को समझना स्टार्ट करें, आपके मसल्स की रिक्वायरमेंट, आपका सबसे बड़ा ट्रेनर आपके यहाँ है, अगर आपने उसे एक्टिवेट कर लिया, नो वन हैज राइट टू बीट यू। सो दिस इज माय सेकंड वर्कआउट, और ये ब्रीथिंग अब नॉर्मल होना, साथ साथ में पानी पीते रहे, गर्मी बहुत ज्यादा है, वर्कआउट को पूरा करेंगे, कोई नजरअंदाजी नहीं, मात्र कुछ ही दिन बचे हैं अब, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वर्कआउट। और लुक कैसा आ रहा है ये बताएं आप। एक्सरसाइज के बीच में ना बहुत ज्यादा गैप, जैसे ये रहा एग्जांपल, एक्सरसाइज के बीच में बहुत ज्यादा गैप, ये साइज गेन कर रहा है, इसका हैवी वेट हैवी वॉल्यूम वर्कआउट चल रहा है कम रेपिटेशन के साथ, मैं फॉलो कर रहा हूँ 25 रेपिटेशन क्योंकि कटिंग निकालनी है। लेकिन बहुत ज्यादा गैप अगर आप दे देते हैं, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 4 मिनट, उससे आपकी मसल यार रिलैक्स होने लगती है, बहुत दिमाग संकेत देने लगता है कि शरीर जहां से मतलब मसल आपने तोड़ी है वहां से रिलैक्स बहुत फास्ट होना चालू हो जाती है, वह रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद फिर तोड़ रहे तो फर्क नहीं आता। सेलेक्ट योर टाइम एंड जस्ट हिट फॉर दैट। सो चलिए ये करता हूँ मैं नेक्स्ट वर्कआउट, ये है मेरा नेक्स्ट वर्कआउट, आपको लेना है शोल्डर वाइड ग्रिप से श्रग्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. अति आवश्यक है इसके 15 रेपिटेशन विद फेस पुल। चालू रख, कोई बात नहीं, जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो सब कुछ ऑन करना पड़ता है, बंद रहता है। जो मिक्सचर ब्लेंड आप वर्कआउट करते हैं यहां रखना है, और आंखों से ऊपर 1, 2, 3, 4, 5,
सिक्स सेवन एट नाइन ओ टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। ये जो पीछे का रियर लुक है ना आपका, ये बहुत ज़्यादा रिप्ड अगर आपका दिखता है तो कटिंग अच्छे से दिखती है आपकी। इसके लिए वर्कआउट बहुत ज़रूरी है और ट्रैप के लिए आपका श्रग्स। तो ये था मेरा थर्ड वर्कआउट, हम मिलते हैं फोर्थ वर्कआउट में। रेपिटेशन 15 15 30 हो गए, अब इसके चार सेट हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट में। सो नाउ दिस इज टाइम टू टेक लास्ट वर्कआउट। ये मेरा आखिरी वर्कआउट है और अगर आप इस वर्कआउट शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं दिस इज वेरी अल्टीमेट। बहुत लंबा, मतलब थकान इतनी ज्यादा हो जाती है, लेकिन इस वर्कआउट में पानी बीच बीच में पीते रहे और दिस इज नॉट फॉर बिगिनर। तो ये है मेरा लास्ट वर्कआउट। आप अपनी क्षमता अनुसार वेट ले सकते हैं, मैंने 5 किलो लिया हुआ है, मैं 7.5 पे एंड करूंगा। तो ये है लास्ट वर्कआउट और पोज बीच में देते रहे। अभी है बारी कपड़े उतारने की, परफॉर्मेंस चेक कराने की आपको। तो सो नाउ क्यों पड़े हो चक्कर में, वो है ना हमारी टक्कर में। जय श्री राम। आज के व्लॉग का एंड करते हैं। मैंने लिया शोल्डर का वर्कआउट, बेस्ट वर्कआउट किया है। रेपिटेशन रखें 25, इनको मेंटेन करें 4 सेट्स के साथ। अच्छा खाएं, स्वस्थ दिखें, स्वस्थ रहें, गंदा खाने से बचें, ऑयली स्पाइसी स्वीट्स नॉट फॉर अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।